होटल डीलर डकार रहा गरीब लोगों का राशन। शिकायत पर जांच को पहुंचे टांडा एसडीएम। दो माह पूर्व में भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में किया था राशन धारकों पर पथराव। 7 वर्षीय बच्चा सहित 2 लोग हुए थे घायल। दड़ियाल रामपुर के ग्राम दमन में दबंग कोटा डीलर कई माह से कम राशन बांट रहा है। राशन कार्ड धारक जब कोटा डीलर की दुकान पर राशन लेने के लिए जाते हैं तो कोटा डीलर गाली गलौज व मारपीट पर उतारू हो जाता है, जिसकी शिकायत ग्रामीण कई बार तहसील प्रशासन से कर चुके हैं। मंगलवार को उप जिलाधिकारी यमुनाधर चौहान ग्रामीणों की शिकायत पर जांच को गांव पहुंचे और शिकायतकर्ता राशन कार्ड धारकों के बयान दर्ज किए। इस दौरान ग्रामीणों ने टांडा एसडीएम के समक्ष कोटा डीलर के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि कोटा डीलर कई माह से मानक से कम राशन बांट रहा है, विरोध पर मारपीट पर उतारू हो जाता है और राशन कार्ड कटवाने की धमकी देता है। कई ग्रामीणों ने कोटा डीलर द्वारा उन्हें राशन नहीं देने की भी शिकायत की। उप जिलाधिकारी भड़के ग्रामीणों को शिकायत दूर करने का आश्वासन दिया और उनके लिखित बयान दर्ज किए। विदित है कि 2 माह पूर्व भी राशन वितरण को लेकर गांव में विवाद हुआ था, जिसमें कोटा डीलर द्वारा पुलिस की मौजूदगी में अपने मकान की छत से ग्रामीणों पर पत्थरबाजी की गई थी, जिसमें एक मासूम बच्चा सहित 2 लोग घायल हुए थे। टांडा एसडीएम यमुनाधर चौहान ने बताया कि शिकायतकर्ता ग्रामीणों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, उचित कार्यवाही की जाएगी। रामपुर से फिरोज खान की रिपोर्ट। कोटा संबंधित क्या शिकायत दी थी? शिकायत ये की थी जैसे कि 5 किलो यूनिट पे होता है, तो जैसे गेहूँ 3 किलो या 2 किलो देना होते हैं तो ये 2 किलो देते हैं पर यूनिट पे, जैसे 3 किलो 3.5 किलो, और अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, जैसे कि 5 किलो बनता है या जैसे घर में सदस्य 3 है तो 15 किलो हो रहा, तो 15 किलो ना दे के ये 12 किलो दे देते हैं या 10 किलो दे देते हैं। अनपढ़ आदमी बहुत हैं यहाँ, इस तरीके की जाके वहाँ जब लोग तोल के चेक करते हैं तो के हिसाब से अगर 5 यूनिट है तो उसको 25 किलो, 25 किलो है तो उसे 18 किलो 17 किलो इस तरीके से कम देते हैं। यहाँ के पता नहीं क्या ये कांटे में घटतोली कर रखी है इन्होंने, क्या कर रखा है। उसके बाद ये तो आपने शिकायत की थी या और भी हैं शिकायत करने वाले? बहुत लोग हैं यहाँ, 75% गाँव लोग शिकायत पे है। लिखित में शिकायत कब की थी? लिखित में की थी या मौखिक? ये लिखित में क्या होगी हमारी शिकायत, ये 20 जून से हम चल रहे हैं इस पर। 20 जून से शिकायत? जी 20 जून से हम शिकायत दर्ज कर ही रहे हैं अभी तक, हम नहीं रुके हैं अभी और करते रहेंगे। यहाँ पर ये जो इतना कोटे डीलर के वहाँ पर आए हुए हैं एटीएम साहब, ये क्या समस्या थी यहाँ पर? समस्या ये है मैंने इसमें जिनके यहाँ पर दिक्कत रहती है, लोग धमकाते हैं डर कराते हैं और जो गरीब बंदे को मास कम देते हैं, तो एटीएम साहब के यहाँ पर आधार की थी हमने वहाँ पर तहरी, तो उसके खिलाफ ये एटीएम साहब आए हैं जाँच करने के लिए। जो अगर जाँच सही पाई गई तो कोटा मेरा हो जाएगा, अगर गलत पाई गई जो भी होगा मतलब साफ करेंगे। हमसे 2 महीने पहले 20 जून को झगड़ा हुआ था यहाँ पे घटोली के ऊपर, तो इसके सिलसिले में रामपुर भी डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी गई और टांडा और डी एस ओ के यहाँ सब साहब के यहाँ कई जगह काम चल सर के यहाँ। ये रामपुर के धमन गांव में जो कोटे डीलर के वहाँ पर ये आपने आज आकर चेकिंग की, इसमें सर क्या मामला था? आज रामपुर जो धम्मन में नदीम कोटेदार हैं, कुछ शिकायतें मिल रही थी कि इनके द्वारा कम राशन बांटा जा रहा है और इनके व्यवहार भी सही नहीं है। इस संबंध में आज मैं स्वयं पूर्ति निरीक्षक की उपस्थिति में उनकी टीम के साथ मैंने निरीक्षण किया, जाँच की जा रही है, लोगों के बयान लिए जा रहे हैं, चीज़ें नोट कर ली गई हैं और निष्पक्ष तरीके से जाँच करते हुए